चर्चा प्रारम्भ होतह सुनो चित दे भजो राज श्याम प्राणना सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा क्य अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इना तखत लाल आगे आए बैठे इना तखत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे व्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मान ये ब्रह्माण्ड तिसरा जहाँ मोहम्द आये रो जहा मोहम्द आये रोशन, ब्रजरास ब्रजरासदोबु अखंड प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर जी तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर बीतक का वर्णन करवा रहे कल हमने अंतिम प्रसंग में ब्रज और रास और जागनी ब्रह्मांड में मोहम्मद साहेब साहेब का जब अवतरण होता है लेकिन हमने ये प्रसंग को लिया नहीं ब्रज और रास की जो त्रिधा लीला है वो हमने कल पूर्ण की यहां पहले ही चरण में बताया ब्रज रास दो अखंड अक्षर के जो चार अंतस्करण उसमें बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में जागृत बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में जो अखंड महारास रात्रि की जो दिव्य लीला हुई कल के प्रसंग में हमने देखा कि तीनों प्रकार की सखिया स्वातसी राजसी और तामसी यहाँ के जीव के स्वभाव गुण के आधार पर तीन भेद बेहद में योगमाया ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है और जो पहले श्रृंगार किया श्यामा जी का बाद में सखियों सखिया और तत्पश्चात श्रीराज जी का और उसके बाद जो रास खेली गई उस रास में हमने कल के प्रसंग में सुना कि एक एक ब्रह्मात्मा के अंदर दो दो ईश्वरी सृष्टि की आत्माएं विराजमान हुई और रास पूर्ण होने के बाद जब बारह हजार ब्रह्मात्माए मूल तन परमधाम में मूल मिलावे में अपने परात्म में उठी राज्य के आवेश भी मूल स्वरूप में चला गया अक्षर की आत्म भी अपने जोश के साथ वो भी अक्षर ब्रह्म के अंदर पहुंच गई और जो सखिया के नूरी तन थे वो सबलिक के महाकारण में अखंड हो गए तो चौबीस हजार कुमारी काओ ने जो गोकुल में हमारे साथ जो वादा हमने उसके साथ जो वादा किया था कि आप क्या भी रास की लीला समय पर होगी तो राज जी ने भी उसको वरदान दिया था कि समय पर मैं रास लीला आपके साथ भी खिलाऊंगा तो ये रास लीला यहाँ के प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में चौबीस हजार कुमारिकाओं के जीव तो व्रज में अखंड हो गए थे वो चौबीस हजार आत्माएँ इस ब्रह्मांड में आई ये तीसरा नया भया जो इंड अक्षर की सूरत का सब इन सूरत की सब सखिया भई प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही तो चौबीस हजार कुमारी, कुमारी का सखियाओं की आत्माएं एवं बारह हजार वेद ऋचाए सखिया ये जो तीसरा यहाँ का काल माया का जो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना उस ब्रह्मांड में उसकी लीला हुई और वो प्रतिबिंब के सखियाओं के जीव वीरों में ब्रज में तड़पे नहीं थे वीरों में नहीं डूबे थे तो उसको भी सौ साल विरह में डूबोया और सौ साल के बाद वो सखिया भी अपने अपने घर पहुँची उसमें जो कुमारिका सखियाओं के आत्माएँ थी, वो सबलिक के कारण में पहुँची और जो वेद ऋचाए सखिया थी वो अव्याकृत के महाकारण में पहुँची तत्पश्चात यहाँ तीसरा दिन प्रारंभ हुआ अंतिम चरण में बताया कि मोहम्मद आए रोशन मोहम्मद सल अलह वसलम का इस संसार में आना हुआ और उसने कुरान के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश किया श्री मोहम्मद साहेब हम आए उससे पहले एक हजार ग्यारह सौ साल पहले उसका आना हुआ रास खेल के बरारब आए श्याम रास लीला के पश्चात श्री मोहम्मद साहेब का अरब की धरती पर प्रगटन हुआ जिसके अंदर अक्षर के आत्म और राज्य के जोश का आना हुआ और आने के बाद उसने कुरान के अंदर शरीयत और तरीकत के ज्ञान के माध्यम से इस संसार में सब मुस्लिम और और जन को एक परब्रह्म पर अतुट आस्था दिलाई क्या दिलाई अतुट आस्था दिलाई के परब्रह्म खुदा ताला अल्लाह ताला एक है कुरान में भी कहा गया कि कुल्लू अल्लाह अहद खुदा ताला अल्लाह ताला एक है तो उसने आके परमधाम के कई पक्षों का भी संकेत में वर्णन किया भोज को सर जमुना जी को कुरान में जोई कहा गया है ताल पाल कई मोहलाते पशु पक्षी कई सुंदर स्थानों का वर्णन भी कुरान में किया गया और आगे कुरान में ये भी वर्णन किया गया कि एक से लेकर छः दिन की लीला का भी वर्णन किया गया और छठे दिन में जो ब्रह्मात्माओं की लीला होगी और सातवें दिन में न्याय की लीला होगी ये किस सिपारे में वर्णन किया गया सुंदर साद जी कुरान के सिपारा प्रथम और दूसरे सिपारे में एक से छः दिन की लीला का वर्णन किया और सातवें दिन की लीला न्याय के साथ वो जुड़ गई कि सातवें दिन की लीला होगी अखंड खंड में होगी और प्रथम दिन ब्रज का हुद तो हुद के घर तूफान तो आएगा तो कोहतुर तले सब रूहों को रखा जाएगा और इसके बाद नूह नबी के घर तूफान तो आएगा तो तूफान में क्या होगा योग माया ब्रह्मांड रूपी नाव तो व्रज से सखिया रास में पहुंची उसको नूह तूफान तो और एक हुद तूफान तो और तीसरा दिन क्या होगा तो तीसरे दिन में मोहम्मद अलैहि वसलम का स्वयं का आना हुआ और उसने एक परब्रह्म पर सब मुस्लिम समुदाय को आस्था दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किया ये हम सब वाणी के माध्यम से वितक में तो थोड़ा कुछ ही वर्णन हुआ है लेकिन वाणी के माध्यम से खुलासा शनंद मार्फत और क्यामत नामा के ग्रंथ से हम सबको विदित है उसने बताया कि परब्रह्म ताला अल्लाह एक है क्योंकि उसी समय जब मोहम्मद साहब आए अरब की धरती पर तब अरब की प्रजा के अंदर बहुत सी बुराइयाँ थीं उसके अंदर जो संस्कार थे वो एक वृत्ति के संस्कार थे वो तब सब मूर्ति पूजा में ही पड़े थे जड़ पूजाओं में ही पड़े थे और मांस का सेवन करते थे मदिरा शराब का भी सेवन करते थे तो इन सब को पहले तो शरीयत और तरीकत की राह पर ही चलाना जरूरी था क्योंकि उसी टाइम हकीकत और मार्फत का ज्ञान किसी के अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि उसी टाइम ब्रह्मात्मा इस संसार में नहीं आई थी तो राज्य ने सनंद में बताया कि जाहिर कहिया रसूले में अरब सुने का न आए इमाम कैसी पर चरिया ने फुरमाना क्या बोला मोहम्मद साहब ने कि मैं एक दिन रुजू मतलब हाथ मुंह धो के जब नमाज के लिए खुदा की बंदगी के लिए मैं बैठा बैठक गर्मी ना टरी जहां मैं बैठा था वहां नीचे की गर्मी भी और जो जल मैंने हाथ मुंह जो धोया वो जल भी अभी हिल रहा था इतनी ही देर में मैं कहाँ पहुंचा नासुत को छोड़ा मलकुत को छोड़ा और जबरुत को भी छोड़ा और चौथे आसमान में लाहुत में पहुंच गया और लाहुत में कहाँ तक सिर्फ सीधे परमधाम नहीं लेकिन सत्य स्वरूप तक क्योंकि वाणी ने बताया तारतम वाणी में कि जबराइल इतने आगे न चल सकिया बताया कि जलावत मेरा मेरा पर जल रहा है मैं आगे नहीं जा सकूंगा एक कदम आगे फिर उठाने के लिए बोला तो 500 साल तक जैसे चलते और जो थकान लगती इतनी ही थकान लगी तो उसने बोला कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वहां पूरी इश्क की जो पूरी का है वहां वाहिदत का रस है फिर श्यामा जी रफ रख रफ का तखत मतलब इश्क का तो राज्य का इश्क का स्वरूप मोहम्मद साहब के अंदर जो अक्षर की आत्मा बैठी थी उसको लेने के लिए आया और अक्षर की आत्म सीधी कहाँ पहुंची सर्वर सागर को पार करके छोटी रंगचार हवेली को पार करके वन की नहरों को पार करके त्या उसके बाद जवेरो की नहर बड़ोवन मधुवन महावन जवेरों की नहर और दूसरी परिक्रमा में अक्षरधाम आगे का सात वन और रंगमहल के पूर्व दिशा का बीच में जमुना जी रंगमहल के पूर्व दिशा का सात वन पार करके सो सीढ़िया बीच चांदे को पार करके धाम चौक धाम दरवाजा को की शोभा को देखते देखते धाम दरवाजे में प्रवेश किया और धाम दरवाजे के अंदर अट्ठाईस स्थम के चौक को पार करके चार चोरस सवेलिया को पार करके मूल मिलावे में जा पहुंची कहां पहुंची मूल मिलावे में जा पहुंची और वहां मतलब खुदा ताला अल्लाह ताला और अक्षर की आत्मा वहां तो श्यामा जी स्वरूप मतलब इश्क का स्वरूप लेने के लिए आए ने तो वहां कोई भेद नहीं रहा और दोनों के बीच में कितना अंतर अंतर रहा तो बताया वाणी में कि एक कमान की जो दूरी होती है इत, इन कोने से वो कोने तक की इतनी दूरी का राज्य और अक्षर की आत्म के बीच में मोहम्मद साहेब के बीच में इतनी दूरी रही और वहाँ नबे हजार हरफ सुने उसमें बताया कि त्रीस तुम जाहिर कीजियो त्रीस तुम पर अख्तियार और त्रिस में स्वयं आके जो मार्फत के वचन है ये मैं स्वयं आके जाहिर करूंगा और बार जो मुक्ते और अरफ भी कहा गया है तो ये कुरान में लिखाया लिखा और शरीयत और तरीक़त का ज्ञान भी कुरान में उतरा लेकिन हकीकत और मारफत का ज्ञान मोहम्मद की जुबान पे नहीं चढ़ा क्योंकि जो दर्शन करके म्याराज हुआ जो दीदार करके मोहम्मद की रूह जब फिर वापस लौटी रंग माहौल में मूल मिलावे से जब धाम दरवाजे को छोड़ के धाम दरवाजे के ऊपर देखा तो उसमें ऊपर जो मेहराबे देखी कितनी मेहराब लगी है वहां धाम दरवाजे की तो दो भूम ऊंची मेहराब है ही लेकिन 22 जो मेहराब लगी है इधर की ओर चबूतरे उत्तर की ओर और, और दक्षिण की ओर और, और बीच में धाम दरवाजे को तीनों को मिलाकर जो बाईस मेहराबें लगी है उस मेहराब को देखते हुए सीढ़ियां नीचे उतरी और सीढ़िया से उतरकर फिर परमधाम और बेहद और फिर हद के ब्रह्मांड में जब अरब की धरती पर पहुँचे तो उसको सब राज्य ने भुला दिया थोड़ा कुछ बस मेहराब इसलिए तो उसकी मस्जिदों में सिर्फ मेहराब का ही चित्र रहता है बस उसको मेहराब की थोड़ी सी एक प्रतिकृति के समान इतनी सी याद अंदर रह गई कि भाई मेहराब जैसी मैंने कोई शोभा देखी थी तो और शरीय तरीकत के रफ बाद में जबराइल जोश के द्वारा आयतों का जो अवतरण हुआ वो सरियत तरीकत का ज्ञान जाहिर हुआ और सुंदर साद जी इस संसार में तिरसठ वर्ष 63 वर्ष तिरसठ वर्ष इस संसार में रहना हुआ और अपनी लीला पूर्ण करके चौथे दिन की लीला हम यहाँ प्रारंभ करें तो चौथे दिन में यहाँ बताया कि नौ सौ नब्बे नौ मास रसूल को हुए जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब मोहम्मद साहेब को अरब की धरती पे जब प्रगटन हुआ तिरसठ साल की लीला भी हुई और अंतिम लीला जब पूर्ण कर रहे थे तब एक टीले पर एक टेकरी पर बैठ के अपने जो चार नदी के यार थे अबूबकर उस्मान अली और उमर चार यारों को बुलाया और उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ इस संसार से और इस संसार में मेरे जाने के बाद फितना उठेगा आप सब एक दोस्त एक मित्र की तरह रहते हो लेकिन मेरे जाने के बाद आप सब के आपस में भी इतना झगड़ा इतना खड़ा होगा और इस ये चारों यारों ने ये भी पूछा तो ये फितना उठेगा और हमको उठाएगा कौन इस संसार से आप तो जा रहे हो तब मोहम्मद साहब ने इतना ही बोला कि मैं अभी आपको इस कब्र रूपी शरीर से मैं नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मैं फिर आऊंगा क्या बोला था मैं फिर इमाम मेहंदी के साथ मैं रूह पहले रूहल्ला और बाद में मैं इमाम मेहंदी के साथ मैं आऊंगा तभी आपको मैं उठाऊंगा तो बोले कि क्या आपके अंदर ये शक्ति ये सत्ता ये बल नहीं है तभी बताया कि नहीं ये शोभा अभी ये तीसरे दिन में मेरे को नहीं मिली है चौथे दिन में जब मैं रूहल्ला पहले जामे में और तभी भी मैं नहीं उठा पाऊंगा लेकिन पांचवें दिन में रूहल्ला जो दो जामे दूसरे पर मुर्दार पांचवें दिन में इमाम मेहंदी के स्वरूप में मैं प्रकट होगा तभी मैं आपके कब्र रूपी मतलब ये शरीर में जो जीव बहुत जन्मों से अज्ञानता रूपी निंद में सोया हुआ है उस कब्र रूपी मुर्दे से वो जीव उठेगा तभी उसने बोला कि मैं कब आऊंगा जब दसवीं सदी के सवा नौ साल बाकी रहेंगे तब मैं इस संसार में आऊंगा तभी ये चौपाई में बोला कि 999 मास रसूल को हुए जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब मोहम्मद साहब का इस संसार से जाने के बाद 990 मास 990 साल और 9 मास कितना 990 साल और नौ मास जब पूर्ण हो गए तब कौन आएगा इस संसार में रूहल्ला का प्रगटन होगा ये मोहम्मद साहब ने पहले से ही बता दिया था कि चौथे दिन में अल्लाह ताला खुदा ताला की और धांगिनी आनंद स्वरूप श्यामा जी अपनी सब ब्रह्मात्वाओं के साथ इस संसार में आएगी मिसल गाजियो मिसल गाजियो मतलब अवतरण होना इस संसार में किसका तो श्यामा जी के साथ ब्रह्मात्माओं का इस संसार में आना हुआ यह चौपाई को राजी ने प्रकाश ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में बताई के वाला जी तेनी ताल सुंदर बाई मोकलिया सखी तमे लई एकला क्या बताया वाला जी तेनी ताल ल्याओ बुलाई तुम रूहल्ला जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते केहो कहलाया के हक जैसे ही ब्रज में से रास में हम रास से रास्यम परातम में जगी और वहां जाके फिर हम वही रबद वही प्रेम के विवाद लेके बैठ गई कि राज जी आपने तो बोला था कि जुठे ऐसे नश्वर संसार में आप जाएगी अलग अलग देश में बेश में कुटुम कबीले रिश्तेदार में आप जाओगी मेरे को भूल जाओगी घर को भूल जाओगी स्वयं आप को भी आप भूल जाओगी तो ऐसा तो कुछ क्योंकि व्रज और रास में धनी की प्रत्यक्ष लीला हमारे साथ रही और वहाँ प्रेम की इतनी बड़ा काष्ठा की लीला हुई कि वहाँ कोई दुख की क्योंकि एक साथ रहे 11 ग्यारह साल बाए दिन और रास में भी अखंड रात्रि का जो रमण हुआ तो वहाँ भी धनी साथ में रहे तो दुख हमने देखा नहीं तो परमधाम जाके फिर हमने बोला कि राज जी आपने जो बोला था वो दुख तो हमने देखा नहीं इसलिए राज जी ने बोला कि जाओ तुम तीसरे जागनी ब्रह्मांड में तो जैसे ही ओम ब्रह्मात्माओं को श्यामा जी के साथ सुंदर बाई आप आणी वार जी ऐ या पी अलगान करी अलगान कर मोकलिया प्राण आधार जी संभारो साथ अवसर बता कि सुंदर बाई माटे किसके लिए आया सुंदर बाई संसार में सुंदर शाह किसके लिए आए हमारे लिए कई कसनी आगे, आगे जाके दिखाएंगे राज, के माध्यम से कि हमारे लिए ये सुंदरबाई सब ब्रह्मात्माओं को लेकर इस संसार में आई और किसने भेजा सुंदरबाई को कई मोकल या छे प्राण आधार जी राजी ने बोला जाओ सुंदरबाई ये मेरी ब्रह्मात्मा इस नश्वर जगत में जूठे खेल में जा रही है वो खेल ऐसा ही अंधेर का है कि वहां जाके ये सब कुछ परमधाम की लीला शोभा अपने जो वहां का जो सब सुख है ये सब कुछ भूल जाएगी आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके ये को परम धाम का यह दिव्य ज्ञान दे के सबकी आत्मा को आप जागृत करो और परम धाम वापस लेके आओ ऐसा किसने बोला राज्जी ने बोला और ब्रह्मात्माओं को लेके सुंदर बाई का इस संसार में विक्रम संवंत सोलह सो अड़तीस में यहाँ आना हुआ हम सब सखियाओं के साथ और आगे जी ने बताया कि ये सुंदर बाई इस संसार में आई तब उसके बाद क्या कहां पर आई किस स्थान पर आई ये भी राज जी ने वित्त के माध्यम से बताया कि उमरकोट गांव मारबाड़ प्रदेश और पिता मेहता और माता कुवरबाई के गर्भ से देवापी के जीव ने देवचंद्र जी का जन्म हुआ आगे बताया कि ये जन्म के बाद ये जो देवापी का जीव देवचंद्र जी के अंदर बैठा तो ये क्या लीला करेगा तो आगे बताया कि सुखदाई सबन को अखंड करण हार विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित को कहो विचार और इसके आगे की चौपाई में बताया कि जन्म बधाई पूरे परिवार और रिश्तेदारों में तो आनंद की बधाई होने लगी लेकिन इतना ही नहीं पूरे संसार में क्योंकि पूरे संसार में क्यों तो महामती ने बताया कि जो श्यामा जी सुंदरबाई आनंद स्वरूप राज्य की आनंद स्वरूप अर्धांगिनी श्यामा जी का इस संसार में आना हुआ तो पूरे संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी किस के माध्यम से तो उस तन से चौथे दिन में ये ज्ञान नहीं उतरेगा लेकिन पांचवें दिन में परम धाम का ऐसा अवलौकिक ज्ञान उतरेगा कि ये ज्ञान अब तक ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी पता नहीं था यहाँ त्रिगुण की बात बताई तो यहाँ जो ये यह प्रकृति बनी है सत रज और तम से तो ये जो प्रकृति मोह सागर से प्रकृति कई पैदा करे ऐसे कई आलम ये ठोर माया ब्रह्म सबली त्रिगुण की पर आत्म ये जो प्रकृति बनी है कहाँ से बनी है ये मोह सागर से पैदा हुई है तो उसमें से जो तीन गुण सत रज और तम तो ये तमो से तीनों गुणों से ही संसार के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है तो ती, तीनों गुण सबके अंदर है चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश लेकिन हमने ये तीनों गुणों के देवता बताया कि गुण के विष्णु भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण के और शिव जी तमोगुण के नहीं ऐसा नहीं है तीनों गुण एक एक के अंदर है लेकिन अधिकता और कम मतलब शिव जी के अंदर तमोगुण बताए लेकिन शिव जी के अंदर ज्यादा तमोगुण नहीं है जिसके अंदर ज्यादा तमोगुण होगा वो कभी भी ध्यान का अधिकारी नहीं बनेगा शिव जी तो एक योगेश्वर है ये तो रात दिन हजारों हजारों साल से समाधि लगाए बैठे हैं तो उस, उसके अंदर सतोगुण गुण की भी अधिकता है वैसे ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बताई और विष्णु भगवान के अंदर की की तो यहां सुंदर साथ जी तीनों गुण की बात संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए बताई गई है और आगे बताया कि सुखदाई सबन को अखंड करनार वो इस संसार में आए तो पूरे संसार के अंदर संसार के संपूर्ण जीव अभी तक नौ प्रकार की भक्ति से जो सेवा अर्चन जो पूजा करते आ रहे थे श्रवण कीर्तन समरण अर्चनम व्यम आत्मनिवेदम और पाद सेवनम ऐसे नौ प्रकार की भक्ति से संसार में कोई संत मनीषी भक्तजन ऐसे कोई तपस्वी ऐसे भक्ति करते करते थक गए लेकिन कोई ये नारायण की पाल को ये क्षर ब्रह्मांड की पाल को इस हद को उल्ंग के अभी तक कोई नहीं गया यहाँ क्या बताया कि अभी तक जब तक ये श्यामा जी ये जाग्रत बुद्धि संसार में नहीं आई थी मैंने कल चौपाई में बताया था ने कि एते द्रंति लोक में होती जो बुद्ध स्वप्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन इस संसार के अंदर सपने की बुद्धि थी ये इसके अंदर किसी के अंदर ये विवेक नहीं जगा था तो आगे जागृत बुद्धि कैसे आए जागृत बुद्धि के आए बिना तो कोई हद को उल्लंघ के बेहद में कैसे पहुंच पाता और उसके बाद तो निज बुद्धि इस संसार में आ गई तो यहाँ बताया कि जब ये श्यामा जी इस संसार में आई तो यहाँ संसार में जागृत बुद्धि फैलेगी और जागृत बुद्धि का ज्ञान फैलेगा और जो इस संसार में हद की भूमिका को पार कर कर कोई नहीं गया था वो बेहद में सरलता से हे परीक्षित सुखदेव मुनि ने बोला हे परीक्षित वो सरलता से वहां पहुंच जाएगा प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि अभी तक कोई पार करके नहीं गया था मोह सागर की पाल को मैंने पांच रत्नों को निकाला था सुखदेव शनकादिक कबीर शिव और महाविष्णु बाकी सब हद में उर्जे रहे थे लेकिन ये श्यामा जी के आने के बाद सब बेहद में पहुंचे सबन को अखंड करनार विश्व बंदे अक्षर लो तीसरे चरण में क्या बताया कि सब अक्षर के अंतस्करण में सबलिक को क्या माना अक्षर शबलिक को ही अक्षर माना और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया उसके आगे अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर धाम क्या है उसके बारे में कोई नहीं बता पाया बताया कि इस संसार की चित शबद अकल और मन आगु ना चल सके रहे हवा बीच सुन ये संसार के चाहे चित लो बुद्धि लो मन लो ये सब अपने मन के धरातल पर बुद्धि के धरातल पर उसने जानने का प्रयास तो किया लेकिन कोई आगे नहीं जा पाए तो यहाँ बताया कि विश्व बंदे अक्षर लो सु परीक्षित को कहे हे परीक्षित राजा उस पर आप विचार कीजिए और आगे बताया कि श्यामा जी के बारे में कि उसकी साक्षियां कहा थी तो बताया कि भागवत के बारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय में भी ये साक्षिया दी गई थी कि देवापी संत नो भाता मरु ईक्षा वंशज कलाप ग्रामे आसाते महायोग बलान्वितो देवापी और संतु मैंने परसों या कल शायद ये प्रसंग तो ले लिया था लेकिन या फिर देवापी के जीव का जो प्रसंग आया तो मैं थोड़ा कुछ और आगे बताना चाहती हूं कि देवापी चंद्रवंशी और मरु राजा इक्ष्वाकु में ये सूर्यवंशी दोनों योग बल कलाप ग्राम में जो साधना रत थे वो दोनों इस संसार में कलयुग के अंतिम चरण में क्योंकि उसने धर्मशास्त्रों को पढ़ के रखा था तो उसको मालूम था कि संसार में परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति आएगी तो वो कोई नूरी स्वरूप से इस संसार में नहीं आएगी कोई मानव तन का तो ये आसरा सहारा लेगी तो ये हमारे तन पर देवापी ने क्या सोचा कि मेरे तन पर ये श्यामा जी जो सुंदर बाई स्वरूप ये मेरे तन का आधार लेगी और मरु जो इक्श्वाकु वंशज में हुए वो उस पर राज्य की आवेश शक्ति ने ये आधार लिया और दोनों का राज्य और श्यामा जी ये कलयुग के अंतिम चरण में देवापी और मरु के जीव की जो लीला हुई तो यहाँ ये भी साक्ष्य बताई और आगे पुराण संहिता के 16 श्लोक को मिलाकर एक श्लोक बनाया है उसमें भी बताया के वेद और कतेब में भी साक्षिया थी क्या साक्षियां थी कि ये श्यामा जी आएगी तो क्या होगा इस संसार में तो सतुग के बीज यही रहे विस्तार सतयुग के बीज ये दोनों स्वरूप कौन कौन से देवापी और मरु के, के जो दोनों जीव ने जो स्वरूप धारण किए युगल स्वरूपराज और श्यामा जी का जो जो शक्ति आई ये दोनों स्वरूप के कारण रूप हो गए क्योंकि सतयुग के कारण रूप क्यों बताया कि जो धाम का अवलौकिक ज्ञान का प्रगटन इस संसार में होगा तो ये ज्ञान को लेकर सतयुग में मूल में ये दोनों स्वरूप का क्यों कारण रूप बताया कि ज्ञान तो कलयुग में प्रकट होगा लेकिन ये ज्ञान आने के बाद भी ध्यान से ये ज्ञान आने के बाद भी अज्ञान रूपी नींद में जो सयन करके सोया रहेगा वो कलयुग के अधीन कहा जाएगा और ये ज्ञान को पाकर भी प्राप्त करने के बाद भी उठ जाएगा लेकिन चलने की इच्छा नहीं करेगा वो क्या द्रापर के अधीन किया जाएगा और ज्ञान को लेकर फिर चलने की थोड़ी इच्छा करेगा आगे बढ़ेगा और थोड़े आगे और जाएगा तो उसको त्रेता के अधीन किया जाएगा और ये ज्ञान को पूर्ण रूप से लेकर प्रेम अंदर भरकर जब दोत लगाएगा तो सतयुग के आधीन कहा जाएगा तो यहाँ चारों युग सत त्रेता द्रापर और कलयुग कलयुग में अज्ञानता रूपी निंद की सत तप ज्ञान और कर्म ये चारों युगों की जो महता बताई उसमें कलयुग भी दूसरा कोई नहीं ज्ञान को पाने के बाद भी अज्ञानता रूपी निंद में कि मैं कल करूँगा परसों करूंगा अभी तो बहुत सी उम्र बाकी है आने वाले अभी दो बीस तीस साल तो अभी और भी बाकी है पता नहीं वो भविष्य जानते होंगे कि भाई तभी मैं कर लूंगा लेकिन राज जी ने तो बताया धाम धनी ने तो कि तेरी गिनती बांधी श्वास तीन को भी ना ही विश्वास बाकी रहे तेरे कितने श्वास एक सास की भी नहीं आस लेकिन यहां सुंदर साहद जी ये ज्ञान को लेकर प्रेम में दो लगानी है और यहां वेद और कतेब की साक्ष भी है कि क्या बताया संतों की वाणियों में भी शाक्षिया लिखी और एक पुराण संहिता का जो मैंने अभी बोला कि सोलह श्लोक को मिलाकर एक श्लोक बनाया गया सुंदरी च इंदिरा नामाभिय चंद्र सूर्यो माना अंधकार विनाशाए प्रतिबदी भविष्य कलयुगे कौन आएगे सुंदरी नाम की आत्मा सखी और एक इंदिरा नाम की आत्मा ये दोनों सुंदिरा च इंदिरा ये दोनों कलयुग के अंतिम चरण में एक चंद्र वंश में एक सूर्य वंश में प्रकट होगी तो ऐसी ऐसी बहुत सी साक्षिया सुंदर जी धर्म ग्रंथों में लिखवाई थी पहले कि श्यामा जी आएगी तो ये क्या करेगी और क्या लाएगी और इस ज्ञान से संसार को क्या मिलेगा तो संसार को सुख शीतल करो संसार संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी इतना ही नहीं और आगे बताया कि सपने के जीव की दृष्टि सुपन्न जीव की दृष्टि सपने के की जीव की दृष्टि मीने नहीं लगा मतलब आगे स्वर्ग से आगे बहुत तो तक पहुंची थी उससे आगे कोई शून्य निराकार कोई नारायण तक पहुंची थी इससे आगे कोई नहीं जा पाए थे उसकी दृष्टि भी यहां बैठे बैठे संसार के एक सामान्य जीव की भी दृष्टि कैसे पहुंचेगी जो वो ये ज्ञान को लेगा मतलब ये ज्ञान के ज्ञान का पठन करेगा ध्यान करेगा एक कोरा कोरा से कोरा जीव भी बिल्ली चली गई क्या कोरा कोरा से कोरा जीव भी ज्ञान ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान का पठन करेगा और ध्यान करेगा तो वो भी स्वरूप की पहली बहिस्त में पहुंचेगा जिसकी दृष्टि सपने से आगर आगे नहीं बढ़ी थी वो भी कहाँ पहुंचेगा हद के पार बेहद और बेहद पार अक्षर और अक्षर से भी पार अक्षरातीत दिव्य परमधाम मूल मिला में उसकी दृष्टि पहुँचेगी तो ऐसी ऐसी चौथे दिन में कई बहुत सी सतगुरु सतगुरुधन देवचंद्र जी के अंदर जो सुंदरबाई स्वरूप श्यामा जी बैठी है उसका आने का प्रगटन का जो समय बताया तो क्या बताया विक्रम सवन सोलह सौ सो अड़तीस सुद चौदस के दिन इस संसार में सब ब्रह्मात्माओं के साथ आना हुआ और आने के बाद लीला जब आगे बढ़ती है तो आगे भया वर्ष ग्यारह तब मन भयो विचार में कौन कहा से आईया और कहा मेरो भरथार अभी अभी हमने पूर्व किरण तु सुना ने पिया में बहुत तो को ढूंढिया छोड़ धंधा सब और फिरत सुहागनी पिया कोई बतावे पिया ठोर ये श्यामा जी इस संसार में आई उसके अंदर देवापी के जीव वो कितने कष्ट उठाएंगे कितने कष्ट दुख सहन करेंगे और अपने आत्मा के मालिक प्रियतम परब्रह्म की खोज करेंगे सुंदर शाह जी आगे जाके ये प्रसंग अभी शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ राज जी बता रहे हैं कि परमधाम की जो एक सुहागिन सुहागनियों के लक्षण है ने कलश ग्रंथ में उसमें भी बताया कि लक्षण कैसे होते सुहागिन के उसके गुण स्वभाव और कर्म भी कैसे होते हैं तो बताया कि बहुत पुकार करूँ किस खातिर ये तो सुपन स्वरूप बेहज बनज का होएगा साथी एक लवे ओसी टुक टुक तो हम सब आत्माएं जो बैठी है या मीडियो के माध्यम से जो भी आत्माएं सुनेगी या सुन रही है अभी मैं सबको एक अंदर से आत्मा की पुकार से आह्वान कर रही हूं कि सुंदर साधजी ब्रह्मात्माओं के, ब्रह्मात्माओ के लक्षण कैसा होना चाहिए हम सब अपने पर घटित करेंगे ये कोई सुंदर बाई श्यामा जी की बात नहीं है इस प्रसंग इस घटनाक्रम के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को एक शिखापन दी है पार्वतन जो सुहागनी ताकी नेक कहू पहचान ताकि नेक कहू पहचान जो कदी जर तहानी दान पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहू पहचान धामधनी ने ये सुहागनियों के लक्षण के ये प्रथम नंबर की चौपाई में क्या बताया हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार अगम पार अपार पार जहाँ है तेरा करार जो अगम पार अपार पार ये जो हमारा घर दिव्य परम धाम और जो रंग महोल पार वतन जो सुहागनी सुहागनी किसको कहते हैं सुंदर सा जी जो अपना सुहाग अखंड रखे कैसे जैसे यहां भी कोई स्त्री कोई महिला होती उसका पति जब धाम चला जाता तो उसको कहा क्या कहा जाता है विधवा ठीक है आज हम अपने अंदर जाके अपनी आत्म को पूछे क्या हमने सुहागनी का दावा तो ले लिया सुहागनी ने हमने जाहिर ही चिन्ह हम समझते हैं ना, कि भाई हम यहाँ कोई एक बिंदी लगा ले कोई चंदन के एक कोई तिलक कर ले या गले में कोई माला या मंगल सूत्र पहन ले तो उसको कहा जाता है सुहागनी सुहाग लक्षण क्या है तो बताया कि अपने धाम दिल में अपने प्रियतम की हम पल पल उसकी सानिध्यता का महसूस करें पल पल हमारे धाम दिल में राज्य बस यहां प्राण नली के न... से भी निकट मेरे धाम दिल में बैठे हैं ऐसा हम अंदर से महसूस करें हमारे अंदर पल पल बस यही फीलिंग हो कि नहीं जी तू तो हमारे से एक क्षण एक पल दूर नहीं हो जी ने कल भी मैंने बताया था ना कि जी बोले कि मैं थोड़ा दूर हो तो तभी तो तेरे दिल में आऊँ मैं तो ते तेरी प्राण नली से भी निकट हूँ तो सुहागनी किसको कहते हैं कि एक आत्मा के धाम दिल में अपना पति का पल पल अनुभव होता रहे पल पल अनुभूति होती रहे उसको कहते सुहागनी क्योंकि यहाँ हम रोज तो सोने के टाइम पे बोलते हैं कि और तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम हम बोलते तो हैं लेकिन क्या हमने धाम दिल में बोला तभी क्या हमने अंदर राज्य का दीदार पाया हमने राज्यी को देखा कि रोज सिर्फ हम बस शब्दों के वचन के माध्यम से बोलते हैं कि राज्य तुम मेरे धाम दिल में आ जाओ और मेरे धाम दिल में अपनी बैठक बनाओ और यहाँ ही सुख लो तो सुंदर साहद जी जो परम धाम की मोमिन होगी आत्मा होगी ये सुहागिन का दावा तब ले सकती है कि पल पल अपने प्रियतम का अपने धाम दिल में अनुभव करे और एक ये भी बताया कि सुहागनी के और लक्षण क्या होते हैं तो बताया कि वो खोजे अपने आप को वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखर वो क्या करेगी सुहागिन वो खोजे अपने आप को वो क्या पूरा उसकी जो जीवन की यात्रा होती ने पूरी आयु में क्या लक्ष्य बनाएगी बस उसका उद्देश्य क्या होगा बस अपनी प्रियतम की को जब तक हमारे धनी सामने प्रत्यक्ष नहीं होगे उसका दीदार नहीं होगा तब तक वो लगी रहेगी लगी वाली कछु और न देखे पिंड ब्रह्मांड को हेरी नाही वो कैसी होगी कि एक बार धनी की खोज में लग जाएगी और पहले किरंतन ग्रंथ की पहले नंबर के प्रकरण की पहली चौपाई में भी बताया कि पहले आप पहचान और साधो पहले आप पहचानो बिना आप चिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो तो पहले क्या करेगी अपनी आत्मा की पहचान करेगी फिर वो अपने धनी को खोजेगी और कहा तक खोजेगी आखिर तक क्या मत आत्म जागृति तक वो लगी रहेगी वो खोजे अपने आप को और खोजे दिन आखिर ये ब्रह्मात्माओं के लक्षण है तो यहां श्यामा जी के प्रसंग के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को एक शिखापन एक प्रसंग के माध्यम से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि सुंदर जी आप भी ध्यान-चित्तवानी के माध्यम से अपने आत्मचक्षुओं से रोज ही आप अंदर राज्य का दीदार करो अंदर बैठ के राज्य को राज्य का साक्षात्कार करो और श्यामा जी जब अंदर विचार आया तो आपने आसपास के ग्राम के से थोड़ा दूर जो निकट के और छोटे छोटे ग्राम थे वहाँ पूछने लगी यहाँ तो देश विदेश की परदेश की बात बताइए लेकिन गांव के ग्राम के आसपास जो छोटे छोटे ग्राम थे वहाँ जाके पूछने लगी कि मेरे को ये जो सृष्टि बनी है एक सृष्टि नहीं ऐसी तो अनंत सृष्टि बनी है कैसी ये एक सृष्टि नहीं ऐसे तो अनंत तो अनंत जो सृष्टि बनी है उस सृष्टि के जो मालिक है एक अक्षरातीत वो कहां पर है इतना ही नहीं कि उसकी बराबरी मतलब न तो अन्यो न पार्थिवों न जातों न जनिष्यते उसकी बराबरी उसकी समांतर कोई नहीं है न अन्यो न न जातों न जन इसकी बराबरी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकते उसकी बराबरी के कोई श्रेष्ठ नहीं है ये परब्रह्म कहाँ है तब लोगों ने संसार के लोगों ने क्या बताया कि परब्रह्म तो कण कण में है क्या बताया ये संसार में व्यापक है ए, एक एक कण में ये परब्रह्म का वास है उसका निवास है तब श्यामा जी को क्या विचार आया कि इस संसार में सब जगह एक एक कण में एक एक स्थान पर एक एक यावत सामग्री में जो ये परब्रह्म का निवास है वास है एक एक कण में जो परब्रह्म विराजमान है तो तो उसको खोजने का मार्ग मेरे लिए तो सरल हो गया तो तो कहाँ कठिन है चलो तो मैं उसको खोज लूंगी सुंदर साध जी राज जी ने वाणी में बताया कि कण कण में होता तो दिखता सब कोई और घट घट में होता तो मरता न कोई क्या बताया कण कण में होता तो दिखता है सब को, कोई मतलब हर एक स्थान में दिखेगा पर ब्रह्म और बताया कि घट घट में होता तो मरता न कोई जो हर एक के धाम दिल में हर एक के जीव के आत्मा के दिल में ये परब्रम का धाम या स्वरूप होता तो ये शरीर कभी भी मुर्दा नहीं होता यहाँ जी ने क्या बताया कि वो सूक्ष्म रूप से विराजमान है लेकिन हमारे अंदर माया की जो फरामोशी वो पर्दा है कि जी के स्वरूप हमको दिखाई नहीं दे रहे यहाँ आगे ये यह बताया कि कण कण में ये परब्रम जो होते तो सुंदर साथ जी इतने मंदिर मस्जिद गिरजाघर इतने धर्म शास्त्र इतने विद्वान इतने कथाकार इतनी जो भी अभी जो भी कोई पूजा भक्ति में या साधना में लगे है तो ये सब करने की क्या जरूरत ये तो हर एक कण को देखेंगे हर एक कण में परमात्मा का दर्शन हो जाएंगे तो ध्यान साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई धर्म शास्त्रों का पठन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये मंदिरों में सुबह को आरती सेवा पूजा जो हो रही है या गिरजाघरों या मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जा रही है तो ये सब स्थानों का क्या महत्व रहेगा उसका क्या मूल्य रहेगा क्योंकि कण कण में परमात्मा नहीं है ये पंच महाभूत का जो शरीर है उसके अंदर भी जो अखंड स्वरूप से वो विराजमान होता तो ये शरीर भी कभी मुर्दा नहीं होता तो सुंदर साथ जी ये दर्शन शास्त्रों ने ऐसी जो बात बताई कि भाई कण कण में ये परमात्मा है लेकिन कण कण में परमात्मा की सत्ता है क्या है कण कण में परमात्मा की सत्ता है स्वरूप नहीं कण कण में परमात्मा स्वरूप से विराजमान नहीं है सत्ता से विराजमान है तो यहां श्यामा जी खोज करने के लिए अपने ही ग्राम में थोड़े दूर एक पिंगल श्याम श्री कृष्ण जी का मंदिर था छोटा सा वहां रोज ही जाते हैं देखो श्यामा जी की खोज सुंदरसा जी जिसके अंदर मतलब सुंदरबाई श्यामा जी बैठी है और उसके अंदर की एक जिज्ञासा एक पिपासा देखो हम अपने अंदर जाके अपने दिल पर हाथ रखकर हम स्वयं अपनी अंतर आत्मा को पूछे कि क्या, क्या हमारी भी आधी लगभग यहाँ बैठे हैं उसमें से शायद इधर की ओर ये बच्चे तो छोटे छोटे हैं इधर की ओर आधी उम्र तो हमारी बीत चुकी और थोड़ी कुछ बची है सुंदर साह जी हमारे अंदर कितनी लगन या कितनी पिपासा या कितनी प्यास जगी चलो आगे हम देखेंगे श्यामा जी तो कैसे कैसे कितना कष्ट सहन कर भी ये परब्रह्म की खोज में लगी रहेगी लेकिन हम तारतम लिए हुए चालीस पचास साठ साल हो गए क्या अभी तक राज्य की थोड़ी भी मतलब एक लहर एक दर्शन की लहर भी क्या उठी क्योंकि हमारे अंदर वो वीर नहीं है वो तड़प नहीं है जो श्यामा जी के अंदर जगी थी देखो ये श्यामा जी अपनी लाज मर्यादा शरम संकोच ये सब कुछ छोड़ के अपने अंदर बस एक त्याग संसार की नस्वर चीजों का त्याग कर दिया और अपने अंदर एक संयम और एक निष्ठा जो बना ली है कि नहीं जब तक मैं इस पर ब्रह्म मेरे आत्मा के प्रियतम को नहीं पालूंगी तब तक मैं शांति से चैन की नींद मतलब बैठूंगी नहीं तो ये श्यामा जी की खोज को देख के हम सब सुंदर साथ अपने पर ले कि हम भी सुंदर साथ हमारे अंदर भी कितना राज्य को मिलने के लिए अंदर के विरह है तड़प है तो हम आगे और बढ़े ये श्यामा जी हाथ में लोटा लेके सुंदर सा जी सोच क्रिया के लिए जो जाते हैं और ये सब क्रिया से निवृत्त होकर मतलब उसमें ये भी शर्म नहीं है क्योंकि उसको ये संसार जो भी कहे अच्छा कहे बुरा कहे भला कहे जो भी कहे उसको उसकी परवाह नहीं है बस उसको तो लगी है लगने वाले को संसार नहीं दिखता जो धनी के प्रेम में पागल हुए हैं हमको तो क्या संसार दिख रहा है मान मर्यादा दिख रही है और हमको तो सब कुछ मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बाधाएं बनती है लेकिन श्यामा जी को यह निधिकता रोज ही अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त तो होकर पिंगल श्याम की मूर्ति को तीन तीन घंटे पहले दंडवत प्रणाम करती थी और तीन तीन घंटे रोज ही परिक्रमा करते थे ऐसा कितने साल तक चलता रहा तीन साल साल तक तीन से चार साल तक ये चलता रहा हम कितनी कसने की सु, हमें सुंदर जी हम तो एक घंटे ध्यान में बैठना होता न तो भी पांच या दस मिनट में तो इधर इधर यहाँ खुजली यहाँ हिलना कमर इधर करना पैर हिलाना या कोई मक्खी या कुछ मतलब खुजली यहाँ से खुजलाना देखो हम दस मिनट भी हम हमारे मन को शांत करके नहीं बैठ पाते नहीं हमने कोई और कसनी तप साधना चलो ये करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वाणी हमारे सामने आ गई राज्य ने तैयार हमारे सामने ये भोजन रख दिया है बस उसमें से एक कोर एक बाइट उठा के बस खाना है हम तो यह भी राह दिख रहे कि कोई आए और एक कोर एक बाइट थाली में से लेकर हमारे मुंह में डाल दे सुंदर जी श्यामा जी की खोज को देखो तीन तीन घंटे परिक्रमा करते हैं लेकिन वहां उसको कुछ नहीं मिला तीन चार साल वो परिक्रमा देती रही अंतिम थक हार कर वो आगे सोचने लगी कि परब्रह्म मेरे को कहाँ मिलेंगे वहां तो नहीं मन को शांति हुई नहीं दिल को कोई ठंडक मिली तो फिर सोच रही है कि मेरे को ऐसे कोई परम ज्ञानी ऐसे कोई परम तत्व के ज्ञान कोई प्राप्त कराए जिससे मैं अपनी आत्मा के प्रियतम प्राणनाथ को पालो यही खोज में यही जिज्ञासा में वो सोच रही है और एक दिन उसके पिताजी कहा कच्छ में जाना हुआ कहा जाना हुआ जो गुजरात में पड़ता है गुजरात प्रांत में ये कच्छ पड़ता है कच्छ के अंदर ही कच्छ एक प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसके अंदर ही भुज शहर आता है तो वहां कच्छ में जाना हुआ और पिताजी के साथ गए तो वहाँ बहुत मंदिर टेम्पल देहूरे देखे और वहां देहूरे मंदिर कई संत भक्त जन को देखे और फिर पिताजी के साथ वो वापस कहाँ आ जाते हैं फिर उमर कोर्ट में लेकिन उसका मन कहाँ लगा है सुंदर साथ जी हम तो मैं इतनी बात इसलिए रख के फिर और बात ले रही हूँ कि हम ऐसे तो कई बार पुरियों में जाके आए होंगे इससे ज्यादा तो हम पद्मावती धाम में भी पन्ना धाम भी कितनी बार घुमर जी या बंगला जी दरबार में मत्थे टेके होंगे और सुंदर जी हमारे सामने तो प्रत्यक्ष सेवा है प्रत्यक्ष राज्य जी का साक्षात ज्ञानमय स्वरूप है या श्यामा जी के आगे कुछ नहीं है देखो पहले तो एक पत्थर की मूर्ति को परिक्रमा करती रही तो हम कितनी बाहर गए क्या हमारा मन हम यहाँ बैठे क्या हम खाते पीते फिरते घूमते कहीं भी गुमर जी याद आया क्या गुमर जी बंगला जी दरबार वाला स्वरूप याद आया देखो श्यामा जी एक बार कच्छ जाके पिताजी के साथ से आई खोज तो देवचंद्र जी के अंदर बैठा हुआ जीव लेकिन मैं श्यामा जी को बार बार इसलिए बोल रही हूं कि अंदर श्यामा जी का स्वरूप बैठा और कैसे ही खोज में लगे हैं उसको भी अपना स्वयं का पता नहीं वो भी फरामोशी में है लेकिन खोजने के लिए निकली है इसलिए मैं आप सब सुंदरसाथ को कह रही हूं कि आप भी ऐसे ही सुंदर साहद जी एक एक तड़प लेके आप निकलिए आज आप निकले हो तो कल आप अवश्य अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे और पहुंचेंगे सुंदर साथ जी तो यहां श्यामा जी का मन वहां लगाए तो रोज बस अंदर से चैन नहीं सुधी नहीं बस कौन मेरे को ऐसा ज्ञानी मिल जाए परम ज्ञानी के मेरे को ये आत्म साक्षात्कार परम साक्षात्कार का मार्ग बता दे तब उसको पता लगता है कि उमरकोट ग्राम में राजा का एक राजकुंवर की तलवार मतलब खांडा का विवाह राजकुमार का विवाह कच्छ देश में होने वाला है यह पता देवचंद्र जी को लगा तो देवचंद्र जी राजा के मंत्री को पूछने के लिए गए जिसके अंदर तड़प जगती ने जिसके अंदर एक ललक जगती ने राज्य को पाने की तो किसी का इंतजार नहीं करते किसी की राह नहीं दिखते बस वो निकल पड़ते वो रास्ता भी नहीं दिखेंगे रिश्ते परिवार भी नहीं दिखेंगे देखो ना यहाँ के हीर रांझा सोहिनी महिवाल ससुई पुनु सबका प्रेम देखो देखो इस संसार के एक वैकारिक सांसारिक प्रेम है उसको पुनु को ससुई के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है सोहिनी को महवाल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है लेला को मजनू के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है सुंदर जी हम तो हमारे राज्य के बिना 400 साल से इस आराम की पूरी जीवन बिता रहे सुंदर साह जी यहां क्या बताया कि श्यामा जी जब निकल पड़ी है खोज के एक पर ब्रह्म की खोज में तो रास्ते में क्या क्या कठिनाइया आएगी ये सब बात हमारे पर लेनी है या मंत्री को पूछा तो मंत्री ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई सवारी है क्या क्या कोई साधन है तुम एक एक चरण पर उसका आत्मिक बल देखो तब देवचंद्र जी ने बोला कि मेरे पास कोई साधन या कोई सवारी नहीं है तब मंत्री ने सीधे ही मुंह पर मना कर दिया कि तुम मेरे साथ नहीं चल पाते आपके पास कोई सवारी नहीं है हमारे सवार हम सब के पास तो घुड़ेश्वार है ऐसी सवारियां है तो आप कैसे हमारे साथ चल पाओगे कैसे पहुंच पाओगे तब देवचंद्र जी ने अंदर दृढ़ एक निश्चय कर लिया संकल्प कर लिया कि मैं किसी के सहारे किसी के आश्रय मैं क्यों जाऊं उसके साथ बस मैं तो अपने खुद अपने पाओ से मतलब अपने अंदर इतना आत्मिक बल इतना धैर्य रखा कि नहीं मैं चला जाऊंगा वो घर पर आ गए वो जो बारात थी वो शाम को चार बजे के आसपास निकलने वाली थी तो देवचंद्र जी अपनी माता पिता की नजर छुपा के वहां से छिपके निकलना था तो बारात तो चार बजे निकल गई लेकिन यहाँ सब तैयारियाँ जो सबके मुंह छुपा के अंदर रास्ते की खर्ची की जो 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 सामग्री चाहिए थाली लोटा कटोरी तलवार एक छोटी सी कटार भी ले ली और जो गठरी में थोड़ा कुछ पहनने का कपड़ा ये सब कुछ तैयारियाँ करते करते और माता पिता की नज़र छिपाते छिपाते कितना बज गया साढ़ा चार बज गया और साढ़ा चार बजे देवचंद्र जी घर से निकले तो हम परम धाम से आए तब कितने बजे थे इस संसार में कल मैंने बताया था ना साढ़ा चार बजे थे तब बारात तो आगे जा चुकी है तो यहां भी संसार तो बन चुका था हम ब्रह्मात्मा डेढ़ घंटे तक हक्का बरसिया नूर तो हम भी साढ़ा चार बजे इस संसार में आना हुआ और देवचंद्र जी भी साढ़ा चार बजे वहां से निकल पड़े और रास्ते में जब निकले तो छोटी सी उम्र है ग्यारह साल में विचार आया था और तीन चार साल तो अपने ही प्रदेश में खोज 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 करते करते निकल गए तो 16 साल की उम्र हो गई है कितने साल की 16 साल की और 16 साल की उम्र में छोटी सी उम्र में उन निकल पड़े अंधेरी निशा है 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 भयानक रात्री है। और इस बालक के अंदर कोई वृक्षों का नामो निशान नहीं है क्योंकि रेगिस्तान की सुखी जमीन है वहां कोई पानी का कोई स्त्रोत्र भी नहीं है कोई झरना भी बहता नहीं है और सुमसाम पूरा वेरान जंगल पूरा रन है और इतना ही नहीं सुंदर साथ जी वहां चोर लुटारे का भी डर रहता है ऐसी वेरान रेगिस्तान की जमीन में निकल पड़े तो हम भी सुंदर साथ परम से इस संसार में आए तो इस संसार में हमारा कौन था पूरी ये संसार भी एक रेगिस्तान है ये भी सुखी एक जमीन की तरह संसार के जीवों का हृदय है उसके अंदर भी पूरी चोर डाकू की तरह कई गुण इंद्रियों के चोर बैठे हैं और हमारे अंदर भी हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी क्या बैठा है हमारे दुश्मन बैठे हैं तो ऐसी एक तो अग्रांता एक खोज में निकली है ऐसे अंदर इंद्रिया ये भी दुश्मन उल्टे चले संसार जी तो इसी समय, इसी समय परिस्थिति में सुंदर की की ओर जब खोज में जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी निकली है तो क्या स्थिति बनी होगी तो अंदर दहशत भी है डर भी है कि देखो जब जंजावात पवन आंधी आती है तो यहां से मिट्टी उड़कर अलग टीले बन जाते हैं फिर यहाँ टीले से फिर प्लेन जमीन बन जाती है फिर दूसरी जगह फिर एक टेकरी बन जाती है टीला बन जाता है मिट्टी का तो ऐसी जगह पे दो तीन चार लोगों का होना भी वहां कम पड़ता मतलब यहाँ देवचंद्र जी के अंदर डर भी है और एक आशा भी है अंदर धैर्य टूटा नहीं है कि नहीं मैं बस पक्का मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगा तो ऐसे ही वो निकले हैं सुंदर साथ जी और रास्ते में अंदर चोर डाकुओं का विचार किया तो राज जी मान लो कि जिसकी अर्धांगिनी होगी वही तो लेने के लिए आएगा ने तो श्यामा जी और हम सब किसकी अर्धांगिनी है किसकी अंग है राज्य की है ना तो जी के अंग श्यामा जी है तो लेने के लिए कौन आएंगे राज तो और रास्ते में जब चल रही है अंदर डर भी है और जी को चोर डाकू के रूप में अंदर से विचार किया तो जी सिपाही के वेश में सामने खड़े हो गए उसका रूप कैसा था तो बोले कि बहुत विचित्र भयंकर दादी मुझे हाथ में बरछी ऐसा भयंकर रूप और कच्छ की राह में बीच मोहम्मद दिया दीदार तो रास्ते में किसने दीदार दिया और आगे प्रकाश ग्रंथ में एक चौपाई भी है कि तीन बेर दर्शन होते हैं तो तीन बेर कौन कौन से दर्शन ये पहला दर्शन होने जा रहा है श्यामा जी को कि कच्छ की राह में बीच मोहम्मद दिया दीदार तो पहला दर्शन मोहम्मद के रूप में सिपाही के वेश में कच्छ के रण में श्यामा जी को राज्य के स्वरूप का सिपाही वेश में दर्शन होता है और ये जो राज्य लेने के लिए आए क्योंकि इस रूप में क्यों आए श्यामा जी ने ये विचार किए थे तो यही रूप में आए तो हम भी मन चाहिए जैसे स्वरूप में हम देखेंगे ना सुंदर साह जी चाहे हम ब्रज के स्वरूप में देखना चाहेंगे तो उसी स्वरूप में आ जाएंगे वालो जी रास के स्वरूप में देखना चाहेंगे तो वालो जी रास के स्वरूप में दीदार देंगे या जागनी ब्रह्मांड के आ, मह, क्या जी के स्वरूप में हम देखना चाहेंगे आखिरी तो वही स्वरूप में दीदार देंगे तो यहां भी सिपाही वेश में मोहम्मद के स्वरूप में दर्शन दिया और आगे यात्रा और बढ़ती है तो राजी क्या करते हैं कि हे बालक तब तो उसके अंदर और डर बैठ गया क्योंकि छोटी सी उम्र है अंधेरी निशा में निकल पड़े ऐसी तो कैसी अंदर एक अग्नि एक ज्वाला प्रज्वलित हुई है क्योंकि संसार तो गहरी नींद की आगोश में सोया पड़ा है लेकिन यह सोलह वर्षीय किशोर को एक वीर की अग्नि धधक रही है कि नहीं मैं जब तक अपनी अपनी खोज में का लक्ष्य पूरा नहीं कर मतलब मैं परब्रह्म को पा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की चैन से बैठूंगा नहीं तो यहाँ श्यामा जी को सा श्यामा जी के साथ जब जी रास्ते में चलते जाए तो बोले कि ये बालक तेरे पास जो कटार है ना तलवार ये मेरे को दे दे और तेरी गठरी भी मेरे को दे दे तो कटार भी ले ली और गठरी भी ले ली सुंदर साहद जी ऐसे ही निर्जन संसार में हम आए हैं सु, सुखी रेगिस्तान की भूमि में तो जी ने भी ये माया रूपी हमारी जो गठरी है ना संसार की वो उठा लिए सिर्फ देवचंद्र जी की नहीं उठाई हमारी भी माया रूपी गठरी राज जी ने उठा ली है और बताया कि कटार भी मेरे मतलब संसार का बोझ भी मेरे को तू दे दे संसार की माया रूपी गठरी भी मेरे सिर पर डाल दे लेकिन तू मेरे चरणों में सुरता रख बस मेरे मेरी नजरों के तले तू बस मेरे स्वरूप में तू डूबा रहे राज्य का कहना क्या है के रूप में? यहां भी श्यामा जी को राज दे दे और गठरी दे दे फिर ये पिछोरी जो अपने कमर में बंधी थी वो बिछा दी और देवचंद्र जी को बोला कि इस पिछोरी पर तुम सो जाओ और इतना तेज तेजी से वो दौड़ते दौड़ते थक भी गए थे पेट में थोड़ा दर्द भी था सुल भी थी तो राज जी तो सब कुछ तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी इन साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में अपनी डोरी क्योंकि राज जी को तो सब कुछ मालूम था कि देवचंद्र जी दौड़ते दौड़ते आ रहे आए हैं तो उसके अंदर दर्द भी है तो राज जी ने जो हाथ में बर्छी थी भयंकर ये उसके सहारे अपना एक पैर देवचंद्र की एक जांग पर रखा हल्के से अपना शरीर का बोझ डाला और पूछा कि क्या आपके पेट का दर्द हल्का हो गया तो सुंदर साहज इस बात से हम ये ले कि हम पहले ब्रज में आए तो राज्य ने प्रेम का मार्ग का अवलंबन कराया और हमारा जो संसार का दर्द था जो पीड़ा थी वो हल्की की और थोड़ी देर के बाद राज जी ने दूसरी बार हम रास में गए तो यहाँ भी राज जी ने अपना दूसरा पेड़ दूसरी जांग पर देवचंद्र जी की दूसरी जांग पर रखा और फिर पूछा कि क्या आपका दर्द और थोड़ा हल्का हुआ तो बोले हाँ मैं पूरी तरह मेरे अंदर हल्का हो गया लेकिन अभी अंदर पूर्ण रूप से वो डर नहीं गया है कि उसको क्या लगा कि अब तो ये चोर मेरे को मारेगा नहीं लेकिन मेरे को गुलाम बना के चाकर बना के मेरे पास नौकरी या कुछ करवाएगा तो ये डर अभी अंदर है क्योंकि अभी जागणी ब्रह्मांड की लीला हुई नहीं है ब्रज और रास उसमें हमारा दर्द कुछ हल्का हो गया और उसके बाद चलने लगे और कई सी बातें करने लगे कि भाई तुम कौन हो कहाँ से आए हो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तुम्हारा ग्राम का नाम क्या है सब राज्य ऐसी बातों में उलझा देते हैं कि वो फिर वो स्वरूप का भान भूल जाए तो देवचंद्र जी यहाँ नाम देते कि मेरा नाम देवचंद्र है मेरे पिता का नाम मतु मेहता माता का नाम कुहरबाई फिर जी ने पूछा कि वहाँ के राजा कौन है राजा का प्रजा के पास कैसा व्यवहार है तो ये सब पूछते जाते और रास्ते में चलते रहे चल रहे तो फिर देवचंद्र जी जवाब देते जा रहे ऐसे करते करते कहा पहुंचे जहां बारात पहुंची थी और सुबह का उजाला होने में थोड़ी देर थी मतलब रात्रि पूर्ण होने में थोड़ी देर थी थोड़ा समय बाकी था तब सामने बारात दिखाई दी और फिर राज जी ने बोला कि देखो देवचंद्र जो वो बारात की तुम इंतजार कर मतलब उसको खोज रहे थे ने तो बोले हाँ तो जैसे ही उसने इशारा किया अंगुली का निर्देशन दिया एक दो सेकंड में बस राज जी ऐसा इशारा दिया और देवचंद्र जी जैसे बारात की ओर नजर किया तब तो राज जी अंतर ध्यान हो गए। और देवचंद्र जी के अंदर विचार उठने लगा कि अरे मैं जब से घर से निकला हूं तब से इतनी रात्रि पसार हो गई मैं अंदर डर मेरे अंदर डर भी था तो इतनी भयानक रात्रि में इतना प्यार इतना लाड इतना स्नेह करने वाला और कौन हो सकता है चौकस निश्चित जो मैं जिसकी खोज में निकला हूँ ये मेरे आत्मा के प्राणेश्वर प्राण प्रियतम ये प्राणनाथ हो गए वो कहाँ जाएंगे ये कोई संत इस संसार के कोई संत मनीषी या कोई भगवान अवतार पैगंबर या तीर्थंकर नहीं होगे क्योंकि वो इतना प्रेम कर ही नहीं पाते क्योंकि संसार के अंदर प्रेम है ही नहीं प्रेम इस संसार में कौन लाए प्रेम ने दुनिया में नहीं लाई ब्रह्म सृष्टि प्रेम इन्होंने जाहिर किया ना तो प्रेम धुनी में कित तो इस संसार के जीव तो मोह कर सकते हैं त्रिगुण तक नारायण तक के जीव तो लेकिन प्रेम तो एक परब्रम कर सकते हैं तो इतने लाड से मेरे को यहाँ तक पहुँचाया ये तो मेरी आत्मा के खाविंद है ऐसे अंदर विलाप करते जा रहे हैं और आगे अंदर से मतलब अंदर का दिल बिलख रहा है रो रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ वो बारात पहुँची थी उसके पहरेदार वहाँ चौकी कर रहे थे वहाँ पर पहुँच गए तो अपने लक्ष्य तक वो पहुँचे और पहुँच के वहाँ पहरेदार को मिले पहरेदार मंत्री के पास लेके गया और मंत्री ने देवचंद्र जी को देख के आश्चर्य मंत्री को आश्चर्य हुआ उसने पूछा कि तुम कैसे पहुंचे बिना साधन पैदल तो सब कुछ बातें हुई जी ने बोला कि मैं बस अपने पैरों से चलाया लेकिन अपनी साथ जो घटना घटित हुई एक जो आध्यात्मिक उपलब्धि की मतलब राज्य का दीदार किया उसका ढंडेरा नहीं पीटा उसका ढंडेरा नहीं पीता अपनी हम तो क्या एक घंटे ध्यान में बैठते या एक घंटे वाणी पढ़ते या थोड़ा कुछ दिन को भी राज्य की कुछ चर्चा कर लेते तो हम पूरे पड़ोस में समाज में सुंदर साथ में कहते फिरते न देखो आज तो राज्य का दीदार हो गया या देखो वाणी में इतना आनंद आया या आज मैंने इतनी अच्छी चर्चा ली मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ तो हम तो हमारी महानता गाते लेकिन यहां देवचंद्र जी ने क्या किया उसने अपनी खुबी को छिपा लिया, बताया नहीं जो दिदार हुआ था और मंत्री ने बोला कि चलो कोई बात नहीं आप आए हो हमारी बिरादरी के हमारी जाति के कायस्थ जाति के हो तो ऐसा करो हमारे साथ ही भोजन कर लो लेकिन देवचंद्र जी की निष्ठा देखो मैं एक एक बात में क्यों यहाँ की बात लेकर समझा रही सुंदर साथ जी इसलिए देव चंद्र जी की श्रद्धा देखो एक स्वरूप जो दर्शन हुआ उस पर क्या श्रद्धा क्या विश्वास हम तो सिर्फ चौपाई गाते फिरते विश्वास करीने दौर से जे तारतम का फल ले से ते हम बोलते हैं सिर्फ लेकिन देवचंद्र जी ने अंदर बैठी हुई श्यामा जी ने करके दिखाया उसने बोला कि नहीं नहीं मैं आपका जो कच्चा सीधा है सामग्री है वो मैं नहीं ले सकता आप मुझे क्षमा करिए मैं आपकी सीधा क्योंकि मैं घर से लाया हूँ मेरा सामान और मैं आपका सीधा लेने में असमर्थ हूँ तो उसकी निष्ठा देखो श्रद्धा देखो कि नहीं मैं दूसरे का लिया हुआ अनाज से मैं भोग भी नहीं बनाऊंगा और मुझसे मैं भोजन भी नहीं करूंगा तो मंत्री को थोड़ा कष्ट दुख हुआ उसने बोला कि तुम हमारी बिरादरी के हो तो हमको कष्ट हो रहा है आप थोड़ा कुछ कच्चा सीधा ले लीजिए भले पक्का भोजन ना लो आप बना लो तो फिर देवचंद्र जी ने ये कच्चा भोजन ले लिया और भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जो स्वरूप ने दर्शन दिया था देखो अंदर स्वरूप अखंड हो गया ना धाम दिल में जो स्वरूप ने दर्शन दिया था वही स्वरूप को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद फिर थोड़ा आराम किया आराम करने के बाद फिर वो मंत्री को पूछा तो मंत्री साहब ने अपने जो अंदर के सिपाही सब लोग थे उसको पूछा कि तुम दो ऊँट पर कितने सवार हो या घोड़े पर कितने कितने लोग सवार हो तब बोला कि दो ऊँट पर हम चार सवार हैं तो बोले पांचवें देवचंद्र जी को सवार कर लो तो पांचवें में देवचंद्र जी मतलब पहला दिन ब्रज का दूसरा दिन रास का तीसरा श्री मोहम्मद साहेब चौथा सदगुरु धनी देवचंद्र जी तो यहाँ खोज में कौन निकले हैं देव चंद्र जी तो उसको क्या बोला कि तुम पाँच में इसको सवार कर लो तो वो तो है पांचवा लेकिन पांचवें दिन में श्यामा जी कहां बैठी इंद्रावती के धाम महामती के धाम दिल में कि वहां बस और अपने लक्ष्य तक की कहां तक की तो कि मूल मिलावे तक आपको पहुंचना है ने और का उत्तर आप दोनों तनों में अंतिम जो पांचवें दिन की लीला है उस तन में आपको शोभा मिलेगी तो पांचवा देवचंद्र जी सवार हो गए पे और वो सब कच्छ में पहुंचे और कच्छ में जाके सुंदर साथ जी सब अपने अपने लौकिक मायावी काम में जो बारात आई थी वो अपने कार्य में लग गई और देवचंद्र जी अपनी खोज की ओर लगे कच्छ देश में अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जीत कहाँ आए खोज करी सो बताओ इत कहाँ पहुंचे देवचंद्र जी खोज में कच्छ देश में पहुंचे कच्छ देश नहीं है एक छोटा सा प्रदेश है मैंने अभी पहले भी बताया ने एक छोटा सा प्रदेश है यहाँ देश करके बताया है तो वहां जाके कि कितना कष्ट सहन कर करके जी खोज में ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे कई कसनी कसी अंग प्रेम सेवा में ना किया भंग कई कसोटी करी दुल्ही नो कारण अब सब संयन कई कसनी कसी अंग यहाँ से देवचंद्र जी की कसनी शुरू हो जाती है देवापी के जीव की सुंदर भाई जी स्वरूप आत्मा दृष्टा के रूप में अंदर बैठ के देख रही है क्योंकि आत्मा कोई सुख दुख का भोग उस पर कोई असर नहीं होगा वो सिर्फ देखेगी यहाँ कष्ट कौन उठाएगा देवापी का जीव तो पहले कहां खोज करी अब आए कच्छ देश में आप आए, तहां आए के खोज करी सो बताओ या बताऊ लाल देवचंद्र जी कच्छ में पहुंचे और वहां जाके जिन जिन संप्रदायों में भिन्न भिन्न मतों के अंदर जो खोज करते हैं और वहां उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और आगे जाके जब नौतनपुरी में तीसरे दर्शन में क्या अंतिम उपलब्धि होगी ये राज्य हमको आगे बताए लेगी और यह चौपाई में क्या बताया कि सबसे प्रथम देवचंद्र जी लगे खोज करने बैठे देहूरे जाए हम यही चौपाई को ले तो सबसे पहले वो मंदिर में जाते हैं एक कहाँ जाते है एक मंदिर में जाते हैं और वहां पुजारी जी को पूछते हैं कि पुजारी जी यहां कोई कथा चर्चा या कोई सत्संग चर्चा होती है तब पुजारी जी ने बोला कि अरे यहां स्वयं मूर्ति ही परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है तो फिर चर्चा सत्संग करने की क्या जरूरत क्या बोला पुजारी जी ने यहाँ मूर्ति परमात्मा का स्वरूप में बैठी है तो यहां चर्चा कथा करने की क्या जरूरत तभी देवचंद्र जी ने क्या बोला कि मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं मेरे को तो आत्मा के धाम दिल में वो पर ब्रह्म दिखाई दे मैं तो एक ज्ञान की बात कर रहा हूं कि जिस ज्ञान से एक अक्षरातीत एक पूर्ण ब्रह्म परम तत्व की प्राप्ति हो लेकिन वहाँ देखो हमारा समाज आज जड़ मूर्ति पूजा काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा ने हमारे समाज को इतनी मतलब हिंदू समाज को इतनी अंधकारमय खाई में डाल दिया है कि पता नहीं कब उस खाई से बाहर निकले और एक परब्रह्म की पहचान करे क्योंकि जड़ पूजा करने से मनुष्य की बुद्धि में भी जड़ता आ जाती है तो यहाँ मंदिर की मूर्ति के माध्यम से हमको यही प्रेरणा राज जी ने दी लाल दस्य के धाम दिल में बैठकर कि सुंदर साहद जी तब जो जड़ पूजा चल रही थी सब पुजारी पंडे लोग क्या करते थे उसके अंदर कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं था तो आज समाज की जो अभी की हालत है वो 400 साल पूर्व भी थी और हम देखते हैं कि तभी जब कब मोहम्मद गजनवी का समय था तो सोमनाथ का मंदिर सिर्फ मूर्ति तो थी वहाँ कोई गुरुकुल या कोई ज्ञान का केंद्र नहीं था कि जहाँ विद्वान पैदा हो और ज्ञान का कोई समाज में प्रकाश प्रचार प्रसार हो तो तभी ये समाज अंधकार अज्ञानता के अंधकार से बाहर आए और ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा को जाने और आत्मा के प्रियतम को जाने और अपने घर को जाने तो यहाँ मंदिर के अंदर शराबा और इतना कोलाहल था कि वहाँ देवचंद्र जी के अंदर थोड़ी सी भी शांति प्राप्त नहीं हुई हृदय में कोई ठंडक नहीं मिली मन भी जो शांति प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा लेकर गया था वो अशांत हो गया और वहां से फिर वो निकल पड़े और सीधे कहा गए सन्यास मत वालों के पास सन्यास मत वाले दत्तात्रेय के जो अनुयायी सन्यासी लोग थे वहां जाके पूछा कि मेरे को जो एक पर ब्रह्म है संसार कहते है कि भाई सबका मालिक एक तो एक कौन है पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है ये तो अनेक परमेश्वर के हावे शास्त्रों सब जुदे जुदे पंथ सब जुदे जुदे ये तो अनेक शास्त्रो बोलावे तो पार ब्रह्म पूर्ण जो एक है वो कैसा है पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात्पूर्ण पुना उदस््यते पूर्णस्पूर्ण आदाय पूर्ण में शिष्यते हो पर्रम पूर्ण है अपनी लीला से पूर्ण है उसका धाम पूर्ण है इतना ही नहीं पूर्ण पूर्णात पूर्ण मुदस्यते वो सब शोभा से पूर्ण है ऐसे परब्रम की मैं प्राप्ति करने के लिए आया हूँ तो मेरे को ये परब्रम के बारे में आप समझाइए तब सन्यास मत वालों ने बोला और सन्यास मत वाले के अंदर एक अहंकार भी था क्या अपने सन्यास पद का और अपनी वेशभूषा का उसने जो वेशभूषा क्योंकि लोग बाहरी वेशभूषा और पद प्रतिष्ठा सम्मान उसी में तो खोए हुए हैं कि भाई हमारा बहुत बड़ा पद है हमारा बहुत बड़ा स्थान है देखो हमको इतना सम्मान मिलता है वही अहंकार में वो दत्तात्रेय मत के अनुयायी सन्यासी लोग भी डूबे हुए थे तो वहां जाके देवचंद्र जी ने पूछा तो उसने बताया कि हाँ तुम ऐसा करो एक हमारे पास मंत्र ग्रहण कर लो हमारा शिष्यत्व ग्रहण कर लो और हम जो आपको दीक्षा देंगे वो दीक्षा के अनुसार आप ये मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आपको परब्रह्म और हमारी तुमको तुम हमारी तुमको हमारी सेवा भी करनी पड़ेगी क्या बोला तुमको हमारी सेवा भी करनी पड़ेगी और ये मार्ग का अनुसरण कर भी करना पड़ेगा और आगे जाके हम अष्टांग योग का मार्ग भी बताएंगे तो ऐसी ऐसी कई बातों उसने देवचंद्र जी के सामने रखी तो देवचंद्र जी ने बोला कि ठीक है चलो मैं आपका शिष्य शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ मेरे को जो परब्रह्म की प्राप्ति ऐसे ही आपकी सेवा से या अष्टांग योग या कोई भी विधि से होती प्राप्ति होती है तो ये करने के लिए मैं भी तैयार हूँ तो कई महीने तक वहाँ भी वो करते रहे लेकिन सुंदर जी संयास वालों के पास एक मंत्र भी मननातीति मंत्र मंत्र में ज्ञान निहित होता है तो यहाँ मंत्र भी लिया मंत्र को दीक्षा भी कहते और नाम सुमिरन भी कहते हैं तो यहाँ मंत्र भी लिया कई महीनों तक वहां रुके लेकिन वहां से कुछ उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई तो वहां से वो निकल पड़े और वहां से सीधे वो कण जो नाथ पंथ के योगियों के पास आए वो नाथ पंथ के योगियों में गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ जो हम जानते हैं ना वो नाथ पंथ के योगियों के पास आए जिसको कण फटे साधु वो बोलते थे क्या बोलते थे कर्ण्टे साधुओ बोलते थे वो कान को छिदवाकर यहाँ बाली पहनते थे तो वहां गए वो लोगों को भी एक अहंकार था सुंदर सा जी सबके पास अहंकार क्यों है अपने पद का अपने स्थान का अपनी विशेषताओ का यहाँ उसके पास एक सिद्धि चमत्कार और सन्यास पद का अहंकार है ये लोगों के पास किसके पास ये नाथ पंथ के कंफटे साधुओं के पास क्योंकि उसके पास कोई प्रेम का मार्ग ही नहीं था देखो प्रेम के बिना सब भक्ति शुष्क हो जाती है कैसी हो जाती है इसलिए तो कह, कहिया कि नवदा से न्यारा कहिया चौदह भवन में नाई सो प्रेम कहां से पाइए? जो बसत गोपी का माही सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास प्रेम बसुद ब्रह्म सृष्टि में खेलत स्वरूप ब्रजरास उसके पास सिद्धियां है चमत्कार है कई आदि का वो कई कई चमत्कारिक लीलाएं करते हैं कोई तांत्रिक आदि वो भी आएंगे लेकिन उसके पास प्रेम तत्व का कुछ भी ज्ञान और भक्ति का कोई रस उसके अंदर नहीं है तो यहाँ उसके पास भी थोड़े टाइम देवचंद्र जी रुके लेकिन उसके पास भी कुछ भी नहीं मिला अंदर कोई हृदय के अंदर कोई शांति या ठंडक भी नहीं मिली तो वहां भी थोड़े कुछ टाइम रुककर वो आगे चले आगे जाके कापड़ी वैरागी जिसको शिव वैरागी या कापड़ी वैरागी जो कहते हैं वो कापालिक जो साधु कहते वहां वो पहुंचे कापड़ी वैरागी के पास पहुँचे तो उसके पास मन या गुण अंग इंद्रियों मतलब जो इंद्रिया है और मन को लेकर हमारा जो पांच तन्मात्राएँ ने रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये पांच जो तन्मात्राएँ ये पांच तन्मात्राओं से कबीर साहिब ने बहुत सुंदर एक प्रसंग समझाया है कि एक पतंगा एक मछली एक घमरा एक हिरण एक हाथी ये पांचों में तो एक एक वो पांचों जीव एक एक इंद्रियों का भोग करते हैं लेकिन मनुष्य पांचों इंद्रियों का एक साथ भोग करते तो उसकी गति क्या होगी तो यहाँ कापड़ी वैरागी के वहाँ गए तो वो भी अपनी मन और इंद्रियों के भोग विलास में और डूबे पड़े थे विषय वासनाओं में डूबे थे वहां भी कुछ मिला नहीं और उसके आगे गए वो कहाँ मुल्लाओं के पास मस्जिदों में मस्जिद में गए मुल्ला के पास तो मुल्ला के पास भी ये जानना चाह कि तुम जो नासुत मलकुत जबरुत और चौथे आसमान लाहुत की उसमें तो सात आसमान की बात की गई है लेकिन यहाँ बताया कि चौथे आसमान लाहुत की बात कर रहे हो तो कहाँ पर है कैसा है ये धाम आप इसी के बारे में बताइए तो यहाँ वो भी बस सरियत कर्म कांड का ही ज्ञान सरियत मतलब कर्म कांड का ही ज्ञान बता पाए उससे आगे वो भी नहीं बता पाए तो यहाँ देवचंद्र जी थक गए कि भाई इस सब के पास कुछ नहीं है सब अपना पद प्रतिष्ठा और तीन जो है वितेश लोकेष्णा दारेशणा और वितेश सब बस अपने अपने मोह धन संपत्ति के पद प्रतिष्ठा के मोह में सब बंधे हुए हैं और उसके आगे वो ब्राह्मण कथावाचक पंडित अनेक संप्रदायों के जो कथावाचक थे ब्राह्मण लोग थे पंडित थे और चार संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के रामानुज निम्बार्ग मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी उसके पास गए लेकिन वहाँ भी कुछ मिला नहीं अंतिम थक हार कर वो कहाँ पहुँचे पहुंचे। कहां पहुंचे? भोज पहुंचे कहा पहुंचे नगर चौपाई में बताया है भोज नगर पहुंचे भोज नगर में हरिदास जी को मिले किसको मिले हरिदास जी को तो ये जो मत कन्फटे नाथ पंथ के ये जो वैरागी लोग कापड़ी वैरागी या कथावाचक मुल्लाओं मस्जिद के जो ये सबके पास गए उसी प्रसंग से इतनी ही सीख लेनी है सुंदर साहद जी कि देखो संसार में एक हिंदू के अंदर एक हजार संप्रदाय है और बारसो जातिया है इतने मत पंथ पैर चल रहे हैं लेकिन किसी को भी एक परमात्मा की पहचान नहीं है सब अपने अपने में उलझे हुए हैं। बस हमारा ज्ञान बड़ा, हमारा आराध्य इष्ट बड़ा, हमारा स्थान बड़ा और किसी को इसी के आगे की पहचान नहीं है बहुत तो नारायण तक पहुँचे नारायण से आगे किसी को पहचान नहीं है या हरिदासी के वहाँ उसको एक आत्म भाव एक सखी भाव की एक गोपी भाव की क्यों हरिदासी एक सखी भाव से कि अपने को वो सखी के रूप में मानते थे और कृष्ण तत्व को एक अपने आराध्य को प्रेम भाव के रूप में अपने आराध्य को मानते थे और सखी भाव के रूप में अपने को मानते थे तो वहाँ एक आत्म भाव की निष्ठा की भक्ति देखी और आगे क्या देखा कि ऋतु के अनुसार जैसी मौसम होती है मान लो शीत ऋतु होती तो ठंडी की ऋतु होती तो इसी टाइम अंगीठड़ी कोई लकड़ी जलाना अपनी बाल गोपाल और जो बाकी बिहारी की वहाँ मूर्ति थी दो मूर्तियाँ की सेवा हरिदास जी करते थे तो ऋतु के अनुसार फिर गर्मी की ऋतु होती थी तो ठंडे जल शीतल जल से क्या क्या सेवा करनी तो ऐसी ऋतु के अनुसार एक निष्ठा की एक श्रद्धा वाली सेवा वहाँ उसने देखी तो वहाँ उसका मन लग गया और मन लगने के बाद उसको ऐसा विचार आया क्या कि मैं ऐसा करूं बाल मुकुंद और बिहार जी की सेवा नहीं लेकिन हरिदास की सेवा करूं किसकी सेवा करूं वो हरिदास की सेवा में पूरी निष्ठा के साथ लगे उसका कपड़े धोना झाड़ू पोछा लगाना बर्तन मांजना तो उसकी सेवा में पूरी लग गए और इतना ही नहीं और सुबह शाम जब भी टाइम मिले तब भागवत की कथा सुनते थे और शास्त्रों की कथा सुनते थे और उसकी सेवा में लग गए उधर की ओर मतुमेता और कुंवरबाई जब मारवाड़ उमरकोट में उसकी नजर छिपा के निकल गए थे ने तब से उसको पता नहीं था और यह हरिदास जी है ये मतु मेहता के गुरु है तो वहां उसको जानकारी उसके माध्यम से किसके माध्यम से हरिदास जी के माध्यम से जानकारी मिल गई तो मतु मेहता और कुंवर भाई भी आके कहा बस गए भोज नगर में और आने के बाद उसकी तो क्या इच्छा माता पिता की तो होती है वो तो सेवा में लग गए है पूरी निष्ठा के साथ लेकिन हम भी हमारे पर ले के संसार के लोगों हमारे जो रिश्ते परिवार है वो उसकी तो इच्छा यही है, है ना क्योंकि जिसको पहचान नहीं है अपने प्राणनाथ अपनी आत्मा के प्रियतम की वो तो गृहस्थी जीवन में फंसने की ही बात करेंगे ने तो यहाँ भी मतु मेहता और कुंवर भाई भी क्योंकि गृहस्थी जीवन एक ऐसा ही मतलब चक्की या क्या कहूँ उसमें एक बार अंदर फंसने के बाद मतलब आधी उम्र तो वैसी चली जाती है पता नहीं अंतिम अंतिम राजी थोड़ी कुछ सुगंधी दे और हम आगे बढ़ पाए तो यहाँ मथु मेहता और कुंवरबाई को भी विचार आया कि देवचंद्र जी को समझाने लगे समझा समझा कर वो थक गए लेकिन देवचंद्र जी का वैराग्य हटा नहीं उसका यही था कि देवचंद्र जी के अंदर जो वैराग्य पैदा हुआ है वो हट जाए और गृहस्थ गुर्स, जीवन की ओर अपना मन लगे तो चलो मैं उसकी शादी की कोई तैयारियाँ करवाऊँ उसके लिए कोई एक लड़की को ढूंढूँ तो यहाँ देवचंद्र जी की निष्ठा वाली भक्ति को देखकर हरिदास जी को क्या विचार आया कि चलो आपको मैं एक मंत्र भी दे दूँ आपको मैं एक मंत्र भी दे दूँ तो यहाँ जो मंत्र का देने का दिन जो निश्चित किया गया था वही दिन मतु मेहता ने क्या निश्चित कर दिया था अपना विवाह का दिन तो यहाँ देवचंद्र जी को हरिदास मंत्र दीक्षा देने का एक दिन निश्चित कर लिया उस दिन कभी मुंडन भी करवाना होता है तो मुंडन करवा के वहां पहुंच भी गए मंत्र भी दे दिया क्या मंत्र दिया मैं अभी आगे बोला कि मनना थी मंत्र और व्रतेन न दीक्षा यजुर्वेद में भी कहा गया है कि व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है और आगे मंत्र से जिस मंत्र का मनन किया जाता है उसको कहते मंत्र इस मंत्र में ज्ञान निहित तो होता है तो यहाँ मंत्र दिया गया भजमन से कुंज बिहारी विलास भजमन से कुंज बिहारी नित्य विलास हरिदासी ने मंत्र दिया और देवचंद्र जी को बोला कि हे देवचंद्र जी उस मंत्र को आप अपने हृदय में धारण कर लो इतना ही नहीं और अखंड योग माया ब्रह्मांड में जो बांके बिहारी कृष्ण का जो महाराज का जो स्वरूप है उसका ध्यान करो उसका चिंतन और मनन करो लेकिन मंत्र दिया ने उससे पहले देवचंद्र जी को क्या पूछा हरिदास जी ने कि मंत्र में तब दू कि आगे पहले कोई किसी का अपने सन्यास या कोई किसी साधु संत का मंत्र लिया है तो बोले हाँ मैंने एक सन्यास जो दत्तात्रेय के अनुयायी सन्यासी लोग थे उसका मैंने मंत्र लिया था तभी बोले कि ये मंत्र आप ऐसे करो एक कागज में लिख के रोटी में बंद करके आप ये ही कोई साधु या सन्यासी को दे दो तो ये मंत्र उसके पास चला जाएगा तब देवचंद्र जी ने क्या बोला कि अरे ये तो एक सांसारिक कोई यहां की सामान्य बात है ये तो एक प्रवाही सामान्य जीव की बात है ऐसे करने से क्या होगा नहीं आपके मंत्र में जो बल होगा तो ये मंत्र मेरे ये जोरावर होगा तो ये मेरे धाम दिल में अंदर अखंड हो जाएगा वो वो मंत्र जोरावर होगा तो ये निकल जाएगा तो ये करने से क्या मतलब तब देवचंद्र जी की ये बात सुन के हरिदास जी को लगा कि अरे तुम्हारे अंदर इतनी महान बुद्धि है क्या मेरे को तो अभी तक ये विचार आया भी नहीं है तो उसके बाद उसको ये भजमन सिकुंज बिहारी नित्यविलास वाला मंत्र दे दिया वो मंत्र का झाप भी करने लगे अपने सेवा में भी कमी आने नहीं दी और घर पे जब गया देवचंद्र जी गए तो मतु मेहता ने जब मुंडन सिर मुंडवाया और जो एक भेष बदला हुआ देखा मेहता तो अंदर खीजा वड़ा मतलब डांटने लगा के भाई तुम आज तुम्हारा विवाह का दिन था और तुम क्या ये श्रृंगार करके आए हो आज तो आपके श्रृंगार का और विवाह करने का दिन था तब देवचंद्र जी के अंदर की बात को सुंदर सा जी आप ध्यान से सुनिए उसने क्या जवाब दिया कि अरे तुम किसका विवाह करना चाहते हो क्या इस शरीर का तो आप शरीर का विवाह कर दो कोई बात नहीं आपने बहुत मेरे साथ वो जिद ली है तो लेकिन मेरे को जिसके साथ विवाह करना था मेरी आत्मा का, किसका मेरी आत्मा का जिसके साथ विवाह करना था उसके साथ तो मैंने करी लिया है तो यहां सुंदरसाथ जी उसकी दृढ़ता देखो फिर बहुत समझाया और इतने कोलाहल पुलर्ण वातावरण में विवाह भी हो गया लेकिन अपनी जो सेवा की निष्ठा थी वो टूटी नहीं वो रोज ही बस सेवा में बस बारह से तीन एक भर अपने घर में रहते थे बाकी का समय पूरा हरिदास जी के घर पे रहते थे लीलबाई के साथ शादी भी हो गई ये अपनी निष्ठा में भी कमी आने नहीं दी देखो हम बहाना बनाते हैं कि क्या करें इतना काम बोझ रहता है काम का बोझ रहता है हम कैसे करें राज्य की वाणी कैसे पढ़े, या ध्यान चितवनी कैसे करें? देखो देवचंद्र जी पूरा दिन हरिदास जी की सेवा में मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं तो भी अपनी निष्ठा टूटी नहीं है रोज ही बस एक दिन अपने जरोखे से देवचंद्र जी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे हरिदास जी ने देख लिया फिर ऊपर बोलाया कि तुम एक ही तो पहर घर पे गए हो फिर क्यों वापस आए तब भी देवचंद्र जी ने अपनी आध्यात्मिक जो उपलब्धि प्राप्त की हो नहीं बताई उसने वहाँ बोला कि नहीं मेरे को समय का पता नहीं रहा मैं ऐसे ही आ गया लेकिन अपनी निष्ठा में कमी आने नहीं दी एक दिन हरिदास जी और देवचंद्र जी दोनों सेवा में एक मग्न होकर पूरी ध्यान से निष्ठा से सेवा में लगे थे तो कोई एक शख्स को बिच्छू का जेर विष चढ़ा हुआ था उसको लेकर चार आदमी ने आके दरवाजे पर खड़ा किया और आके बोले कि देखो उसको बहुत विष चढ़ा हुआ है जल्दी से आप उसका विष नॉर्मल मतलब हल्का कर दीजिए तब हरिदासी दौड़ते हुए गए और अपनी मुछों पर हाथ फेरते हुए मंत्र बोला क्योंकि मंत्र में एक शक्ति होती है ये भी एक मन की संकल्प शक्ति से अंदर उसके अंदर बल आता है और यह भी अवचेतन मन की शक्ति वहां काम करती है तो एक बार मुच्छों में हाथ फेरा तो उसके अंदर कुछ चेतन आया दोबारा फेरा तो और चेतन आया तीसरी बार फेरा तब तो पूरा खड़ा हो गया तो सुंदर शाह जी हमारे अंदर भी ये तीसरा जांगड़ी का ब्रह्मांड चल रहा है पहला व्रज का तभी हमारे अंदर माया का तो झेर विष का तो रहा दूसरी बार रास में भी देखो हमारे अंदर अहंकार तो आ गया तभी पूरी तरह जहर नहीं उतरा था तीसरी बार ये जागनी ब्रह्मांड में जी आए है तो जी ये माया रूपी जहर उतार कर मतलब जैसे ही उस शख्स का जहर हरिदास जी ने एक मंत्र से यहाँ उतारा तो यहाँ राज्य तारतम वाणी तारतम का यही रस चढ़िया जहर उतारे निर्विखी काया करे जीव जागे करारे तो राज्य भी तारतम तो वाणी के वचनों से हमारे अंदर चढ़ा हुआ ये झेर उतार रहे बताया ने में कि रस को कोई नहीं जानता कि जो यहाँ के विष्टो एक बार मनुष्य को मारता है लेकिन रूपी माया का विष्टो मनुष्य को बार बार अनेक जन्मों में मारता है तो यहाँ फिर हरिदास ने बोला कि यह मंत्र भी तुम अपने हृदय में रख लो तब फिर देवचंद्र जी ने बोला कि हे गुरु जी आपने जो पहला वाला मंत्र दिया है भजमन सी कुंज बिहारी नित्य विलास अखंड का योग माया ब्रह्मांड का तो यह मंत्र तो ये तो एक बार भी सुतारेगा लेकिन वो तो चौरियासी लाख योनि का पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे सयनम ये चौरासी लाख भवसागर से पार उतारने वाला दिया है तो ये मंत्र को हृदय में रख के मैं क्या करूं? फिर आगे सुंदर जी अपनी सेवा और निष्ठा बनी रही और फिर वो मंदिर की परिक्रमा करते रहे और रोज ही अपनी कर... नित्य क्रम के हिसाब से अपनी निष्ठा में कमी नहीं आने दी तो हरिदास जी को विचार आया कि देव देवचंद्र जी को पूछूं कि तेरे अंदर क्या इच्छा है तू मेरे को पूरे साफ दिल से बता दो कि तेरे अंदर जो भी इच्छा हो मैं पूर्ण करना चाहता हूँ चलो मेरे पास बालमुकुंद और बांके बिहारी की दो मूर्ति है उसमें से मैं आपको एक बाल मुकुंद की मूर्ति देना चाहता हूँ तो आप अपने घर में पधराइए और पूरी सेवा से निष्ठा से आप सेवा करिए तो इतना उसको हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बताया देवचंद्र जी ने बोला कि हाँ गुरु जी आपकी जैसी आज्ञा आपका जैसा आदेश में वही पालन करूंगा तो यहाँ सुंदर नंबर में जो प्रकरण देवचंद्र जी के अंदर जो देवापी के जीव की जो खोज में हमने देखा कि कई कई मत पंथों में खोज की और अंतिम हरिदास जी के वहां प्रेम लक्षणा भक्ति का जो भाव वहां दिखाई दिया और वहां उसकी सेवा में लगे और कल के प्रसंग में हम ये बाल मुकुंद की मूर्ति देगे और देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराएंगे ये प्रसंग को हम कल लेंगे यहां हम चौपाई दोहराए महामती कहे ये साथ जी ये बीतक भोज नगर आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर बीतक पहचान पर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की Bye. <laughs>